आन इंफॉर्मेशन बताते हैं, जिसमें ट्रेविस हेड की बात करें, ट्रेविस हेड ने जो कि 101 स्कोर बनाया है और 72 गेंदों पे बनाया है और 12 चौके लगाने में कामयाब हुए हैं और 3 सिक्स लगाने में कामयाब हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एरोन फिंच की बात करें तो एरोन फिंच ने 36 गेंदों पे 23 स्कोर बनाने में कामयाब हुए, जो कि 1 सिक्स लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बिन एम्स्टरडमॉट की बात करें, जिन्होंने 70 गेंदों पर 55 स्कोर बनाने में कामयाब हुआ, जो कि 4 चौके लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ हम बात करें तो मैरोस लम्बी की बात करें, जिन्होंने 35 गेंदों पर 25 स्कोर बनाने में कामयाब हुए और 1 चौका लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ हम बात करें तो मार्कोस स्टोनिस की बात करें, जिन्होंने 42 गेंदों पर 26 स्कोर बनाने में कामयाब हुए और 1 सिक्स लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ एलेक्स कैरी है, जिन्होंने 4 गेंदों पे 4 स्कोर बनाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ कैमरॉन ग्रीन की बात करें, जो कि नॉट आउट रहे हैं और 30 गेंदों पे 40 स्कोर बनाने में कामयाब हुए, जो कि 3 चौके लगाए और 1 सिक्स लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ सीन अथनोली हैं, जिन्होंने 9 गेंदों पे 14 स्कोर बनाने में कामयाब हुए और जो कि 2 ज़बरदस्त चौके लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ नथन एल्स है, जिन्होंने 2 गेंदों पे 3 स्कोर बनाने में कामयाब हुए और जो कि इन्होंने टोटल स्कोर 313 बनाया था 60 विकेट के नुकसान पर, 50 ओवर कंप्लीट खेले थे। अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें तो पाकिस्तान की टीम का फर्स्ट वाले मैच में कैसी कारकर्दगी रही है, किस किरदार के साथ खेली है, जिसमें फखर जमान है, जिन्होंने 18 गेंदों पर 18 स्कोर बनाने में कामयाब हुए, जो कि 3 चौके लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ इमामुल हक है, जिन्होंने 196 गेंदों पे 103 रन बनाने में कामयाब हुई। इमामुल हक ने बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी, जो कि 6 चौके लगाने में कामयाब हुए और 3 सिक्स लगाने में कामयाब हुए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बाबर आजम ने 72 गेंदों पे 57 स्कोर बनाने में कामयाब हुआ, जो कि 6 बहुत ही ज़बरदस्त हसन किस्म के साथ फौज लगाए थे। इसके साथ साथ सऊद शकील की बात करें, जिन्होंने 8 गेंदों पर 3 स्कोर बनाए थे। और उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान जो कि 18 गेंदों पे सिर्फ 10 स्कोर बनाने में कामयाब हुए थे। इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद है, जिन्होंने 9 गेंदों पे 2 स्कोर बनाने में कामयाब हुए। और उसके साथ साथ खुशदिल शाह है, जो कि 22 गेंदों पे 19 स्कोर बनाने में कामयाब हुए और 1 ज़बरदस्त चौका लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ हसन अली है, जो कि 9 गेंदों पे 2 स्कोर बनाने में कामयाब हुआ। इसके साथ साथ मोहम्मद वसीम जान है, जिन्होंने 1 गेंद पे कोई स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हुए और जो कि हारिस रऊफ है, जो कि 17 गेंदों पे सिर्फ 7 स्कोर बनाने में कामयाब हुए और 1 चौका लगाने में कामयाब हुआ। इसके साथ साथ मोहम्मद जैद महमूद है, जिन्होंने 3 गेंदों पर कोई स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हुए और जो कि 225 स्कोर बनाने में कामयाब हुए थे और आल टीम आउट हो गई थी और 46वें ओवर की 2 गेंदें दूसरी गेंद पे आल टीम आउट हो गई थी। देखते हैं कि आज का ये वाला दूसरे मैच में कैसी कारकर्दगी रहती है, किस किरदार के साथ खेलती हैं, ये वाला मैच पाकिस्तान की टीम विन करने में कामयाब रहती है या फिर आज फिर निकाम हो जाएगी। और जो दोस्त नहीं आ रहे वीडियो पर, इनसे गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी दोस्तों, अगर फर्स्ट वाले मैच में मोस्ट रनर की बात करें तो मोस्ट रनर में जनाब नंबर 1 पे आ रहे हैं, जो कि इमामुल हक हैं, जिन्होंने 103 रन बनाकर नंबर 1 पे हैं। इसके साथ साथ ट्रेविस हेड है, जो कि नंबर 2 पे आ रहे हैं, जिन्होंने 101 रन बनाया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बाबर आजम हैं, जिन्होंने 97 रन बनाकर नंबर 3 पे आ रहे हैं और जो कि नंबर 1 पे पाकिस्तान के खिलाड़ी है। इमामुल हक जिन्होंने 103 रन बनाए हैं। उसके साथ साथ ट्रेविस हेड जो कि नंबर 2 पे आ रहे हैं, जिन्होंने 101 रन बनाया है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ बाबर आजम जो कि तीसरे नंबर पे हैं पाकिस्तान के और उन्होंने 57 स्कोर बनाए हैं। उसके बाद जो कि चौथे नंबर की बात करें तो बिन एम्स्टरडमॉट हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिन्होंने 55 रन बनाए हैं। उसके साथ साथ पाँचवें नंबर की बात करें, पाँचवें नंबर में कैमरॉन ग्रीन है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 40 रन बनाकर नंबर 5 पे हैं। इसके साथ साथ मार्कस स्टोनिस हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिन्होंने
26 रन बनाकर नंबर 6 पे हैं। और नंबर 7 की बात करते हैं, नंबर 7 में जो कि मार्निस लबसुन है जिन्होंने 25 रन बनाकर नंबर 7 पे है। इसके साथ साथ अरुण फिंच की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं जिन्होंने 23 रन बनाकर नंबर 8 पे हैं। और इसके साथ साथ नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 में खुशदिल शाह है जिन्होंने 19 रन बनाकर नंबर 9 पे है। और फखर जमान की बात करें तो फखर जमान ने फर्स्ट वाले मैच में जो कि 18 रन बनाकर नंबर 10 पे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो कि फखर जमान नंबर 10 पे हैं। और सीन अथॉर्ड की बात करें जिन्होंने 14 रन बनाकर नंबर 11 पे हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान जो कि 12वें नंबर पे आ रहे हैं जिन्होंने 10 स्कोर बनाए हैं। उसके साथ साथ हारिस रऊफ जो कि 7 रन बनाकर नंबर 13 पे हैं। इसके साथ एलेक्स कैरी जो कि 4 रन बनाकर नंबर 14 पे हैं। इसके साथ साथ नेथन एल्स की बात करें जिन्होंने 3 रन बनाकर नंबर 15 पे हैं। और उसके साथ साथ साउथ शकील की बात करें जो कि 3 रन बनाकर नंबर 16 पे जा रहे हैं। इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद है जिन्होंने 2 रन बनाकर नंबर 17 पे हैं। और हसन अली जो कि 2 रन बनाकर नंबर 18 पे है। जहान महमूद की बात करते हैं, जहान महमूद जो कि 19 नंबर पे है, ये कोई भी स्कोर बनाने में कामयाब नहीं रहे। अगर इसके साथ साथ फर्स्ट वाले ओडी मैच में हम मोस्ट विकेट की बात करें तो मोस्ट विकेट में जो कि नंबर 1 पे है आदम संपा जो कि 4 विकेट लेकर नंबर 1 पे हैं। इसके साथ साथ ट्रेविस हेड है जिन्होंने 2 विकेट लेकर नंबर 2 पे हैं। और इसके साथ साथ हारिस रऊफ की बात करें तो हारिस रऊफ जो कि 2 विकेट लेकर नंबर 3 पे जा रहे हैं। इसके साथ साथ मिचेल स्वपन है जिन्होंने 2 विकेट लेकर नंबर 4 पे हैं। साहिर महमूद जो कि 2 विकेट लेकर नंबर 5 पे हैं। नथन एल्स की बात करें जो कि 1 विकेट लेकर नंबर 6 पे हैं। और सीन अथरो अबाउट की बात करें जो कि 1 विकेट लेकर नंबर 7 पे हैं। इफ्तिखार अहमद की बात करें जो कि 1 विकेट लेकर नंबर 8 पे हैं। उसके साथ साथ खुशदिल शाह की बात करें जो कि 1 विकेट लेकर नंबर 9 पे हैं। और देखते हैं कि आज या वाले मैच में कौन सी टीम की अच्छी कारकर्दगी रहती है और कौन सी टीम जो कि आसान अंदाज के साथ खेल का परफॉर्मेंस करेंगे। उसके साथ साथ अगर सिक्सर की बात करें तो सिक्सर में ट्रेविस हेड है जिन्होंने 3 सिक्स लगाकर नंबर 1 पे हैं। उसके साथ साथ इमामुल हक जो कि 3 सिक्स लगाकर नंबर 2 पे हैं। उसके साथ साथ कैमरॉन ग्रीन है जो कि 1 सिक्स लगाकर नंबर 3 पे जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें चौथे रन के अरुण फिंच हैं जिन्होंने 1 सिक्स लगाकर नंबर 4 पे हैं। और मैचेस स्टोन है जो कि 1 सिक्स लगाकर नंबर 5 पे हैं। असैन अथोनी अबाउट ने भी कोई सिक्स नहीं लगाया, बकाया किसी खिलाड़ी ने कोई सिक्स नहीं लगाया। जो दोस्त नहीं आ रहे वीडियो पर उनसे गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाते हैं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त असम किस्म का ये वाला मैच होने वाला है। देखते हैं कि ये वाले मैच में कौन सी टीम है जो कि आसान अंदाज के साथ खेल का मुजाहरा करेगी। अगर सिक्स की बात करें तो टोटल पहले वाले मैच में 9 सिक्स लगे हैं और जो कि 39 फोर लगे हैं। एक मैच है 17 विकेटें ली गई हैं। अगर खिलाड़ी की बात करें तो पाकिस्तान की टीम में बहुत ही ज़बरदस्त असम किस्म के खिलाड़ी हैं। देखते हैं कि आज इनका परफॉर्मेंस कैसे रहती है, ऑस्ट्रेलिया से ये वाला मैच जीतने में कामयाब होती हैं या फिर आज फिर निकाम रहेगी पहले मैच की तरह। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत ही आसान अंदाज के साथ उन्होंने पहले वाला मैच को विन करने में कामयाब रहे। देखते हैं कि आज का ये वाला मैच पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब रहती है या फिर नहीं रहती। और आप भी अपनी राय का इजहार हमारे साथ ज़रूर करिए। ये वाला जो कि दूसरा मैच है कौन सी टीम विन करने में कामयाब रहेगी, पाकिस्तान की टीम या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम विन करेगी, जो भी आपकी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करते जाएँ। और इन्फॉर्मेशन बताते हैं जिसमें ट्रेविस हेड की बात करें, ट्रेविस हेड ने जो कि 101 स्कोर बनाया है और 72 गेंदों पे बनाया है और 12 चौके लगाने में कामयाब हुए हैं और 3 सिक्स लगाने में कामयाब हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एरोन फिंच की बात करें तो एरोन फिंच ने 36 गेंदों पे 23 स्कोर बनाने में कामयाब हुए जो कि 1 सिक्स लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बिन एम्सर डमोट की बात करें जिन्होंने 70 गेंदों पर 55 स्कोर बनाने में कामयाब हुआ जो कि 4 चौके लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ हम बात करें तो मैरज लंबी की बात करें जिन्होंने 35 गेंदों पर 25 स्कोर बनाने में कामयाब हुए।
और एक चौका लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ हम बात करें तो मार्कोस स्टोनिस की बात करें, जिन्होंने 42 गेंदों पे 26 स्कोर बनाने में कामयाब हुए और एक सिक्स लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ एलेक्स कैरी है, जिन्होंने 4 गेंदों पे 4 स्कोर बनाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ कैमरॉन ग्रीन की बात करें, जो कि नॉट आउट रहे और 30 गेंदों पे 40 स्कोर बनाने में कामयाब हुए, जो कि 3 चौके लगाए और एक सिक्स लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ सीन अथनोली हैं, जिन्होंने 9 गेंदों पे 14 स्कोर बनाने में कामयाब हुए और जो कि 2 ज़बरदस्त चौके लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ नथन एल्स है, जिन्होंने 2 गेंदों पे 3 स्कोर बनाने में कामयाब हुए और जो कि इन्होंने टोटल स्कोर 313 बनाया था 60 विकेट के नुकसान पर, 50 ओवर कंप्लीट खेले थे। अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें तो पाकिस्तान की टीम फर्स्ट वाले मैच में कैसी कारकर्दगी रही है, किस किरदार के साथ खेली है, जिसमें फखर जमान है, जिन्होंने 18 गेंदों पे 18 स्कोर बनाने में कामयाब हुए, जो कि 3 चौके लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ इमामुल हक है, जिन्होंने 196 गेंदों पे 103 रन बनाने में कामयाब हुए। इमामुल हक ने बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी, जो कि 6 चौके लगाने में कामयाब हुए और 3 सिक्स लगाने में कामयाब हुए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बाबर आजम ने 72 गेंदों पे 57 स्कोर बनाने में कामयाब हुआ, जो कि 6 बहुत ही ज़बरदस्त और किस्म के साथ फौज लगाए थे। इसके साथ साथ सऊद शकील की बात करें, जिन्होंने 8 गेंदों पे 3 स्कोर बनाए थे। और इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान, जो कि 18 गेंदों पे सिर्फ 10 स्कोर बनाने में कामयाब हुए थे। इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद है, जिन्होंने 9 गेंदों पे 2 स्कोर बनाने में कामयाब हुए। और इसके साथ साथ खुशदिल शाह है, जो कि 22 गेंदों पे 19 स्कोर बनाने में कामयाब हुए और एक ज़बरदस्त चौका लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ हसन अली है, जो कि 9 गेंदों पे 2 स्कोर बनाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ मोहम्मद वसीम जान है, जिन्होंने 1 गेंद पे कोई स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हुए। और जो कि हारिस रऊफ है, जो कि 17 गेंदों पे सिर्फ 7 स्कोर बनाने में कामयाब हुए और एक चौका लगाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ मोहम्मद जैद महमूद है, जिन्होंने 3 गेंदों पे कोई स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हुए और जो कि 225 स्कोर बनाने में कामयाब हुए थे और आल टीम आउट हो गई थी। और 46वें ओवर की 2 गेंदें दूसरी गेंद पे आल टीम आउट हो गई थी। देखते हैं कि आज का ये वाला दूसरे मैच में कैसी कारकर्दगी रहती है, किस किरदार के साथ खेलती हैं, ये वाला मैच पाकिस्तान की टीम विन करने में कामयाब रहती है या फिर आज फिर निकाम हो जाएगी। और जो दोस्त नहीं आ रहे वीडियो पर, इनसे गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी दोस्तों, अगर फर्स्ट वाले मैच में मोस्ट रनर की बात करें तो मोस्ट रनर में जनाब नंबर 1 पे आ रहे हैं, जो कि इमामुल हक हैं, जिन्होंने 103 रन बनाकर नंबर 1 पे हैं। इसके साथ साथ ट्रेविस हेड है, जो कि नंबर 2 पे आ रहे हैं, जिन्होंने 101 रन बनाया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बाबर आजम हैं, जिन्होंने 97 रन बनाकर नंबर 3 पे आ रहे हैं और जो कि नंबर 1 पे पाकिस्तान के खिलाड़ी है। इमामुल हक, जिन्होंने 103 रन बनाए हैं। उसके साथ साथ ट्रेविस हेड, जो कि नंबर 2 पे आ रहे हैं, जिन्होंने 101 रन बनाया है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ बाबर आजम, जो कि तीसरे नंबर पे हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने 57 स्कोर बनाए हैं। उसके बाद जो कि चौथे नंबर की बात करें तो बिन एमसेंट मोट हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिन्होंने 55 रन बनाए हैं। उसके साथ साथ पाँचवें नंबर की बात करें, पाँचवें नंबर में कैमरॉन ग्रीन है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 40 रन बनाकर नंबर 5 पे हैं। इसके साथ साथ मार्कस स्टोनिस हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिन्होंने 26 रन बनाकर नंबर 6 पे हैं। और नंबर 7 की बात करते हैं, नंबर 7 में जो कि मार्नस लब्सन है, जिन्होंने 25 रन बनाकर नंबर 7 पे हैं। इसके साथ साथ अरुण फिंच की बात करें, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिन्होंने 23 रन बनाकर नंबर 8 पे हैं। और इसके साथ साथ नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 में खुशदिल शाह है, जिन्होंने 19 रन बनाकर नंबर 9 पे हैं। और फखर जमान की बात करें तो फखर जमान ने फर्स्ट वाले मैच में जो कि 18 रन बनाकर नंबर 10 पे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो कि फखर जमान नंबर 10 पे हैं। और सीन अथोन की बात करें, जिन्होंने 14 रन बनाकर नंबर 11 पे हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान, जो कि 12
बारहवें नंबर पे आ रहे हैं जिन्होंने 10 स्कोर बनाए हैं। उसके साथ साथ हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ जो कि 7 रन बनाकर नंबर 13 पे है। उसके साथ एलेक्स कैरी जो कि 4 रन बनाकर नंबर 14 पे है। उसके साथ साथ नेथन एल्स की बात करें जिन्होंने 3 रन बनाकर नंबर 15 पे है। और उसके साथ साथ साउथ शकील की बात करें जो कि 16 रन जो 3 रन बनाकर नंबर 16 पे जा रहे हैं। इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद है जिन्होंने 2 रन बनाकर नंबर 17 पे है। और हसन अली जो के 2 रन बनाकर नंबर 18 पे है। जहान महमूद की बात करते हैं, जहान महमूद जो के 19 नंबर पे है, ये कोई भी स्कोर बनाने में कामयाब नहीं रहे। अगर इसके साथ साथ फर्स्ट वाले और रीमैच में हम